भारत को हमेशा इस बात पर गर्व रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश के इस गुरूर को बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका रही है भारतीय निर्वाचन आयोग की। इस निर्वाचन आयोग को संचालित करने का काम करते हैं इसके तीन आयुक्त, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मूल बात यह है कि राजीव कुमार को देश का अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। कौन है राजीव कुमार, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त की क्या भूमिका होती है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के पर्सन इन न्यूज़ में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धीर टीवी। दरअसल मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 14 मई को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 15 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। इनकी नियुक्ति को लेकर विधि मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार की नियुक्ति की है। गौरतलब है कि राजीव कुमार को 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त बनाया गया था, जो बिहार अथवा झारखंड कैडर के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारी हैं और फरवरी 2020 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से वे सेवानिवृत्त हुए थे। आपको बता दें कि भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान में बताए गए नियमों और कानूनों के मुताबिक भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तक होता है। इन सभी चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के कई प्रमुख काम होते हैं, मसलन चुनाव की निगरानी, निर्देशन और आयोजन आदि। आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए हर चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि लोकतंत्र की शोभा बनी रहे। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है। इस प्रक्रिया में आयोग मतदाताओं की नामावली तैयार करने, राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करने, इन पार्टियों का राज्य अथवा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वर्गीकरण करने, सांसद अथवा विधायक की अयोग्यता पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को सलाह देने और चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने जैसे महत्वपूर्ण काम करता है। इसमें चुनाव आयोग की कुछ अर्ध न्यायिक जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। कुल मिलाकर भारतीय निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। वर्षों से चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए कई प्रशंसनीय चुनावी सुधार किए हैं। ये सुधार काफ़ी पर्याप्त और सराहनीय हैं। इसके बावजूद किसी भी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकेंड ARC ने अपनी चौथी रिपोर्ट शासन में नैतिकता में कहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कोलिजियम की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय ने भी माना है कि अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से तटस्थ रही है, लेकिन फिर भी विधि में शून्यता को जल्द ही भरा जाना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि अगर राजीव कुमार का जन्म फरवरी 1960 में हुआ था तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।